लास्ट हम ये सब लोगों ने कर लिया आपने। अच्छा ये मैं एक दफ़ा मैं भी करके दिखा देता हूँ जस्ट इन केस कि अगर आप में से कोई स्टक हो गया हो। फिर हम ये डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले तो नाम हेलो वर्ल्ड चेंज करके अपना नाम लिखना था उसकी जगह, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो मलिक लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ तो फ़ौरन मुझे रिजल्ट में ये चेंजेस नज़र आ गए। अच्छा उसके बाद अपने नाम को रैप करना था, बोल्ड करना था या स्ट्रॉन्ग करना था, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे strong स्ट्रॉन्ग, और मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग, और मैं अपने नाम के सराउंडिंग में ये स्ट्रॉन्ग लगा देता हूँ, ठीक है। इसको मल्टी लाइन कर देते हैं ज़रा, ठीक है जी। तो ये नाम फ़ौरन से क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा अब और हमने क्या करना है, अगला काम एड इनसाइड द डिव एंड अंडर योर नेम एड सम मोर एचटीएमएल, ये काम करना है हमें। तो ये मैं इसके नीचे आके क्या करता हूँ, एक और डिव बनाता हूँ, ओके एक और डिव बनाता हूँ मैं, और इसके अंदर कुछ मजीद एचटीएमएल लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि दिस इज सम मोर एचटीएमएल, सही है। मे बी इसके अंदर मैं एक इमेज लगा दूँ, सही है। इसके अंदर मैंने इमेज लगा दिया SRC, और SRC इक्वल्स करके मुझे अब यहाँ पे क्या लगाना है, कुछ इमेज का सोर्स लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से गूगल इमेज से जाके एक इमेज और इमेज सर्च, और यहाँ से जाके मैं कोई रैंडमली कोई भी इमेज उठाता हूँ, राइट क्लिक करके मैं कहता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो मुझे यहाँ से इसका क्या मिल जाता है, URL मिल जाता है। अच्छा ये डेटा हुआ है, एक मिनट कोई दूसरा उठाता हूँ, लिंक नहीं था उसके अंदर, वो कुछ और ही था। ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसमें मुझे ये लास्ट में जो .jpg लगा है ना, ये क्या है, वो सिंपल लिंक है। इसको मैंने यहाँ से कट किया और कट करके यहाँ पे SRC की जगह पे लाके पेस्ट कर दिया मैंने। तो ये देखो इमेज मुझे बड़ी सी बन के नज़र आ गई। और मैं क्या लगाऊँगा, इसका विड्थ कम कर देता हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट दिखे तो सही, वो 200 पिक्सल, ठीक है। तो ये मुझे इमेज भी यहाँ पर दिख गई। तो ये जो कह रहा था सम मोर, अब ये वार्निंग किस चीज़ के दे रहे हैं, नहीं IMG एलिमेंट मस्ट हैव एन ALT। अच्छा कह रहा है कि अल्टरनेट ना ALT आपने लाजमी लगाना है, सही है। जस्ट एन इमेज ALT क्या होता है, अल्टरनेट टैग जो होता है। अब क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन रीडर ऑलरेडी नाउ IMG टैग फोटो और पिक्चर इमेज को, अच्छा अच्छा वो कह रहा है यार इसमें आप ऐसे नहीं लिखो इमेज, नथिंग सही है। तो या इसमें मैं कुछ भी ना लिखूं तो भी शायद ये वार्निंग देगा मुझे। वेल तो अल्टरनेट का टैग ये होता है कि अगर स्क्रीन रीडर या कोई रियल बंदा भी अगर वेबसाइट ओपन करता है और इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पाती तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट नज़र आ जाता है। और स्क्रीन रीडर तो डिपेंड इसी पे करता है, ज़ाहिर है वो बोल के बताएगा कि ये क्या चीज़ है, तो ये बोल के बता देता है, ठीक है जी। जो कुछ सम मोर HTML ऐड हो गया, आगे चलते हैं जी। मैम कह रहे हैं कि JavaScript भी मैंने कहा था, तो ऐसे करके देखो आप JavaScript लगा के देखो। आ जाते हैं जी लास्ट में, मैंने क्या किया इसको एक BR का टैग लगाया, ठीक है। और इसके बाद मैंने कहा कि 5 + 2, तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये JavaScript काम कर रही है इसके अंदर। और प्लस एक और मैं कर देता हूँ, एक और 2 सेव, तो ये 9 हो गया, ठीक है। ये स्टेप भी हमने कर लिया कंप्लीट, और आगे चलते हैं। अच्छा स्टाइल की जहाँ तक बात आ जाती है कि यार स्टाइल कैसे करें, अब इसको इसने कहा भाई style.css का एक आप फाइल बनाओ सबसे पहले, तो style.css की मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो कि इसके इसमें पहले ही से बनी हुई है। और इस केस में मैं क्या कह देता हूँ इसको, कुछ भी इसमें स्टाइलिंग कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार जो आपका डिव है ना उसका कलर रेड कर दो आप, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार डिव जो है जितने भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर डिव है उसका कलर क्या कर दिया जाए, रेड कर दिया जाए, सही है। और इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा,
और मैं कहूँगा कि डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस। तो आप देखें डिफ जो है वो क्या हो गया, उसका कलर रेड हो गया। अच्छा ये सिर्फ डिफ का नहीं हुआ, ये सबका ही हो गया, ऐसा क्यों हुआ भला? यार ये मैं जैसे ही सेव करता हूँ ये डबल कोटेशन में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? सेव डबल कोटेशन हो गया, ये इन्होंने कोई इंटरनल कुछ सिस्टम किया था। अच्छा ये डिस्प्ले गायब हो गया इसका, ये क्या सीन है? ओके हाँ जी, तो सारे डबल हो गए तो सही है ना, डबल हो जाने से क्या मसला है? रिफ्रेश कर लेता हूँ, चलो यहाँ से। अच्छा सही है, ऐसे ही कोई मसला था। अच्छा वो सारा इसलिए हो गया क्योंकि ये टॉप पे भी डिव है मेरे पास एक्चुअली, सही है इसलिए वो, क्योंकि कलर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनहेरिट हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो वो जितने भी चिल्ड्रन थे सभी रेड हो गए उसके। तो मैं कहता हूँ यार चलो स्ट्रॉन्ग को कर दे, या मैं बल्कि इस डिव को कोई क्लास दे देता हूँ। अब मैं क्लास कैसे दूंगा इसको? क्लास नेम करके दूंगा। मैंने कहा क्लास नेम इक्वल्स टू क्या कह देता हूँ इसको, मैं बोल देता हूँ कि माई डिव, सही है, या बल्कि उसको रेड बोलता हूँ मैं, ठीक है ये क्लास है रेड। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके, मैं कहता हूँ कि डॉट रेड जो है उसको सिर्फ रेड किया जाए। तो आप देखें सिर्फ ये इस पर अप्लाई हो गया, ठीक है। फिर आई एम जी के ऊपर अगर मैं कोई बॉर्डर वगैरह लगाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि भाई आई एम जी जो है उस पर क्या कर दो, आप लगा दो बॉर्डर, लगा दो 1 pixel सॉलिड रेड, सही है। तो ये आई एम जी के ऊपर आप देखें फ़ौरन से जो बॉर्डर ड्रॉ होकर आ गया है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ इस वक्त जो 5 step थे ये कंप्लीट करने के बाद की कुछ सिचुएशन है, वो कुछ इस तरह की है। अच्छा ये फ़िलहाल हमने क्या कर लिया, कोड सैंड बॉक्स में ये सारा काम कर लिया, लेकिन हमें ये काम कोड सैंड बॉक्स में अल्टीमेटली नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो लास्ट ये बनाया था ना हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे बनाया था क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए, यहाँ पे आके हम इन फाइलों को ज़रा सा एक्सप्लोर करते हैं और ये सारा का सारा काम जो हमने इधर किया है ना वो इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें भी आप देखें SRC के नाम से एक फोल्डर है, इसको जब मैं खोलता हूँ ना तो ये app.js के नाम से एक चीज़ है जिसको मैंने डिलीट कर देना है, app.css को भी डिलीट कर देना है, डिलीट। मेरे काम की चीज़ यहाँ पे क्या है, index.js, इसके अंदर मैं गया index.js के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ था उसको मैंने उड़ा दिया। ये मैं कौन से सीक्वेंस से कर रहा हूँ, ये मैं इसी सीक्वेंस से कर रहा हूँ जो आर्टिकल में इसने जिक्र किया है, आर्टिकल में जो इसने यह हेलो वर्ल्ड किया है ना 5 step में किया है, ये मैं इस सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूँ। इसने कहा था ना जाओ वहाँ पे जाके app.js को डिलीट कर दो, फिर index.js में जाके ये सारा का सारा कोड लिखो, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली वही कर रहा था, index.js में आ गया मैं, index.js में जाके मैंने ये सारा कोड क्या कर दिया उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये सारा कोड मैंने index.js में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है, मेरे पास एक फाइल है styles.css, इसका भी सारा कोड मैं कॉपी करता हूँ और index.css है यहाँ पे, चलो तो यही रहने देते हैं, index.css में ये कोड सारा कर दिया। यहाँ पे जो इम्पोर्ट था फिर मैं क्या कर दूँगा उसको index.css कर दूँगा, ठीक है। और ये मेरा ऑलरेडी क्या हो रहा है, यहाँ पे रन हुआ हुआ है ना ये कोड मेरा, इसको चलो बल्कि दोबारा से रोक के npm स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। npm स्टार्ट एंटर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, सही है। तो हमने क्या कर दिया, अभी कोड सैंड बॉक्स में से इस चीज़ को हटा के जो कोड सैंड बॉक्स था इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। अब हम जो भी एडिट करेंगे मजीद वो अपनी इस रियल ऐप के अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा कोड है मेरा, एक फाइल ये है और दूसरी फाइल हमारी ये, दैट्स इट। अच्छा मजीद जो फाइल्स हैं इसके अंदर उसका भी ज़रा इंट्रो ले लेते हैं हम कि वो क्या है। रीडमी, सबसे पहले रीडमी एक फ़ाइल होती है जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है, मार्क डाउन फॉर्मेट में ये लिखी हुई है, इसीलिए इसके लास्ट में MD लगा हुआ है। package.json में डिपेंडेंसीज सेव होती हैं, जो Node.js का जो पैकेज होता है या Node.js की जो ऐप होती है उसके अंदर package.json में उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये React, React DOM, React Script और Web Vitals, ये 4 libraries इसमें इस्तेमाल हुई हुई हैं और कुछ टेस्टिंग की लाइब्रेरी भी है, ठीक है। ये सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि स्टार्ट जब करें npm start तो क्या हो,
ठीक है, और कुछ नीचे कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर। तो अब हम मज़ीद जितनी भी लाइब्रेरी इस रिएक्ट की ऐप में इंस्टॉल करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड अप होती जाएगी, ठीक है। अनलाइक जैसे हम प्लेन HTML में करते थे, उसमें हम लाइब्रेरी ऐड करते थे, स्क्रिप्ट का लिंक लगाते थे, एग्जीओस कर दिया, मूवमेंट JS कर दिया, अब इसमें यहाँ पे ऐसे होगा। और इसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल भी NPM I करके होगी टर्मिनल के ऊपर। NPM I मिसाल के तौर पे मैं अभी हाथ के हाथ इस पर NPM I और Exeos इसमें इंस्टॉल करता हूँ, तो चाहिए होता है मैं Exeos, तो देखो यहाँ पे फ़ौरन ऐड हो गया ये, ठीक है। और मैं इसको अब दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ, ऐप को रोक के मैंने किया था तो ये मैंने दोबारा से ऐप को रन कर दिया, ठीक है। पैकेज डॉट लॉक जो है वो क्या होता है, ये वर्जन को लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपस में ना डिपेंडेंसी जो होती हैं जितनी भी लाइब्रेरीज आपस में उनकी एक पीयर डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, उसको लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैं अपने ऐप में एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करता हूँ तो वो लाइब्रेरी ख़ुद भी बैकग्राउंड में किसी दूसरी लाइब्रेरीज पर डिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जैसे Exeos है एक लाइब्रेरी जो इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करने के काम आती है, मे बी वो टाइमिंग वगैरह के कुछ चीज़ों को हैंडल करने के लिए बैकग्राउंड में मूवमेंट जैसा इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। तो अब Exeos ने बोला हुआ है कि मुझे मूवमेंट का एटलीस्ट इतना वर्जन चाहिए, लेकिन मैं अपनी ऐप में मूवमेंट को अलग से भी इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें मैं पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई अच्छा इस तरह की कई और सिचुएशन भी होती है, तो मैं आपको एक सिचुएशन बताई, तो उसमें क्या होता है कि वो डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कि भाई एक दूसरी ऐप है वो इस वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं है, वो आगे बढ़ चुकी है या ये पीछे रह गई है। तो इस केस में क्या होता है कि जब जैसे मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ तो अभी क्या वर्जन है उसको वो लॉक कर देता है लॉक फाइल के अंदर, ठीक है, सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो वो पीयर डिपेंडेंसी वगैरह के इशूज़ को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि ये रिजॉल्व पूरा तो नहीं करता, थोड़ा बहुत कर देता है। लेकिन तो ये लॉक फाइल है, इसको आपने कभी भी हाथ से चेंज नहीं करना है। पैकेज डॉट जेसन को तो हाथ से चेंज करते हैं, इसको आपने कभी भी हाथ से चेंज नहीं करना है, ये NPM खुद करता है। NPM कैसे करता है अब उसका ये मसला है, ठीक है, आपको इसको छेड़ना नहीं। गिट इग्नोर आप सब लोगों को पता है कि वो फाइल है जो हम चाहते हैं कि गिट हब में पुश ना हो, वो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, जैसे बिल्ड का फोल्डर है, नॉट मॉड्यूल्स है, ठीक है, और भी DS स्टोर जो मैक के अंदर हर फोल्डर में बिला वजह DS स्टोर बन जाता है, ठीक है, उनके फाइल सिस्टम रिलेटेड कोई चीज़ है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल की कुछ फाइल है, ठीक है। तो अलग से एक रिएक्ट की ऐप में जो कुछ एक नॉर्मली रोका जाता है उसको यहाँ लिख दिया, इसको आप जाहिर है अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा कुछ यहाँ पर अब आ जाता है यहाँ पे SRC का फोल्डर, जो SRC का फोल्डर जो होगा वो हमारा सोर्स कोड होता है, इसके अंदर हम एक्चुअल कोडिंग अपनी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो SRC के फोल्डर को अभी हम छोड़ते हैं, पब्लिक का एक फोल्डर है जिसमें एक मेरे पास क्या है, एक प्लेन वेबसाइट मौजूद है, index.html का पेज है, सही है, और यहाँ पे आप देखेंगे रूट के नाम से डिव बनी हुई है, ये एक प्लेन HTML की ही वेबसाइट है एक्चुअली, और जो ये SRC में हम जो भी कोड करते हैं ना वो जाके इसमें डंप हो जाता है इस डिव के अंदर, ठीक हो गया। तो अच्छा ये लोगों को पढ़ा हुआ है कुछ, ठीक है, जो हाँ वो असल में इसकी बात कर रहा था वो, ठीक है। और यहाँ पे देखें आप स्क्रिप्ट लगा के ना ये ऐड भी हुआ है इसमें, खैर अभी उसको छोड़ें वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में वो इसी डिफ की असल में बात कर रहे हैं। अच्छा फिर उसके अब देखें अभी लोगो पड़े हुए दो अदद, और ये मैनिफेस्ट डॉट जेसन है, मैनिफेस्ट आपको पता है क्या होता है, PWA के लिए होता है, तो इसी मैनिफेस्ट को मैं अपडेट करूँगा तो ये मेरी रिएक्ट की ऐप भी PWA बन जाएगी, ठीक है। तो ये इतना पार्ट जो है ना पब्लिक का फोल्डर है, दिस इज़ अ प्लेन HTML ऐप, और बाकी रिएक्ट उसके ऊपर सवार होता है इस डिव के अंदर जो रूट के नाम से, ठीक है। तो इसमें मैं मैनिफेस्ट ऐड कर दूंगा, चाहूँ तो सर्विस वर्कर भी ऐड कर सकता हूँ मैं, जैसे मैनिफेस्ट यहाँ पे अटैच हुई भी है, देखो मैनिफेस्ट ऐसे अटैच हुई भी है, इसी के साथ मैं सर्विस वर्कर भी अटैच कर दूंगा, तो ये PWA भी बन जाएगी हाथ के हाथ, सही है। दो लोगों रूट पर पड़े हुए, मैं लोगों को फोल्डर के अंदर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये रोबोट्स डॉट टेक्स्ट है, रोबोट्स डॉट टेक्स्ट क्या होता है, ये SEO रिलेटेड कुछ चीज़ है कि जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो क्या करता है, इसको आप अलग से स्टडी कर लीजिएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। फैब आइकन क्या होता है, जब आपकी वेबसाइट लोड होती है तो फैब आइकन यहाँ ऊपर ये इस जगह पे दिख रहा होता है ना, ये फैब आइकन है, ठीक है। तो फैब आइकन डॉट ICO करके यहाँ पे एक आइकन है, और HTML के पेज में इसको आप कहीं ना कहीं देखेंगे कनेक्ट हुआ होगा, ये रहा लिंक रिलेशन आइकन और पब्लिक URL, पब्लिक URL का मतलब कि पब्लिक के फोल्डर में fabicon.ico, ठीक है।
अच्छा स्टिल ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इस तरह से, ये इस तरह से ब्राउज़र पर डायरेक्ट रन नहीं होती है। जब ये कंपाइल होता है ना तो क्या होता है कि SRC के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ हमने वो किधर आता है, वो इस डिव के अंदर आता है और ये सारे URL जो है वो चेंज हो जाता है। और चेंज होके ना एक बिल्ड का फोल्डर बनता है, वो अभी हमने बनाया नहीं है। वो बिल्ड का फोल्डर जो होता है ना वो एक एंड रिजल्ट होता है और वो चल रहा होता है, क्योंकि अभी ये जाहिर है कि एक फ्रेमवर्क लेवल का, फ्रेमवर्क तो नहीं है वैसे ये, लेकिन एक फ्रेमवर्क लेवल का काम है। तो इसमें चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। मुख्तलिफ ये होती है कि डेवलपमेंट करने का थोड़ा अलग अंदाज़ होता है, प्रोडक्शन का कोड एक अलग होता है। मिसाल के तौर पर ये कोड जो है ना ये प्रोडक्शन में नहीं चल सकता। ये जो HTML का कोड हमने ये लिखा है, दिस इज़ नॉट अ प्रोडक्शन कोड। प्रोडक्शन कोड में मिनिफिकेशन करनी पड़ती है, मुझे मिनीफाई करना पड़ता है। मिनीफाई का मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा खाली स्पेसेस हैं, देखो इस फाइल के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं मेरे पास index.html की फाइल में, मिसाल के तौर पे 10,000 कैरेक्टर्स हैं, तो वो 10,000 कैरेक्टर में स्पेस भी तो जगह ले रहा है। अगर मैं उन सारे स्पेस को हटा दूँ तो वो 10,000 कैरेक्टर शायद 8,000 हो जाए। ये जो इंडेंटेशन की हुई है मैंने कोड को खूबसूरत बनाने के लिए, ये तो मेरा साइज़ बढ़ा रही है एक्चुअली। तो मिनिफिकेशन में एक्चुअली यही करते हैं, वाइट स्पेसेस हटा देते हैं, कोड पूरा एक लाइन में हो जाता है। कुछ वेरिएबल के नाम जो लंबे लंबे हैं उनको छोटा कर दिया जाता है, ABCDEF प्रोग्रामेटिकली होता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। हाथ से भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, ठीक है। उसके अलावा अग्लीफाई करते हैं कोड को। अग्लीफाई का मतलब होता है कि कोड समझना है, ठीक है। तो मिनीफाई और अग्लीफाई दो प्रोसेस होते हैं जो दोनों इस पर परफॉर्म करना होता है। तो जब हम देखो बिल्ड का फोल्डर बनाएंगे ना कैसे होगा, कंट्रोल सी करके मैंने रोका, मैंने कहा npm रन बिल्ड। जैसे ही मैंने बिल्ड लिखा यहाँ पे बिल्ड का एक फोल्डर बना हुआ आ जाएगा, देखो ये आ गया बिल्ड का फोल्डर। अब इसके अंदर जो बनेगा ना html की एक फाइल जो बनेगी, ये मैंने ओपन किया, देखो अब इसमें ये html की फाइल है, ये देख रहे हो ये मिनीफाई वगैरह सब अप्लाई हुआ है। इसमें भी वही रिलेशन आइकन और फैब आइकन, लेकिन स्पेसेस हटा दिए, कुछ और चीज़ें जो हट सकती थी उसको हटा दिया, ये पूरी एक लाइन के अंदर आ गया कोड। अग्लीफाई भी करेगा ये, अग्लीफाई भी करेगा, जावास्क्रिप्ट को अग्लीफाई करेगा ये। अभी तो हमने जावास्क्रिप्ट लिखी नहीं है ना, ये लो जावास्क्रिप्ट को अग्लीफाई किया इसने, ये पढ़ नहीं सकता नॉर्मल बंदा है। मतलब रिवर्स इंजीनियर तो ऑब्वियसली हो सकता है ये, लेकिन इतना आसान नहीं होगा उसको रिवर्स इंजीनियर करना। सही है, ये इसको अग्लीफाई किया इसने, ये मिनीफाई नहीं किया, ये अग्लीफाई किया इसने, देख लो। अब कोड क्या है वो पता ही नहीं चल रहा, ये पूरी फाइल नीचे तक ऐसे ही है। सही है, ये देख लो नल वल एक्स्ट्रा पता नहीं एंड एंड और नॉट पता नहीं क्या लगा दिया। मैनीफेस्ट ऑन अदर एंड बिल्कुल प्लेन है इसके अंदर। HTML डॉट ये सिंगल लाइन में, CSS को देख लेते हैं, CSS कुछ ऐसे हो गई, देखो बिल्कुल एक लाइन में हो गई है CSS, ठीक है एक लाइन में हो गई है पूरी CSS। तो हमने क्या देखा कि ये प्रोडक्शन के अंदर ये वाला कोड इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसमें डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। डेवलपमेंट में ना देखो ऐसे पब्लिक URL लगा है, लेकिन जब प्रोडक्शन में ही सेट हो जाता है तो एक्चुअली जो ये बिल्ड का फोल्डर और ये SRC का फोल्डर, ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं, दोनों मिल के एंड रिजल्ट तैयार होता है और वो npm run build से होता है, ठीक है। अच्छा जब कभी होस्ट करूँगा मैं इस फ्रंट एंड को तो वो भी मैं कहाँ करूँगा, वो भी मैं इसी बिल्ड के फोल्डर को होस्ट करूँगा, बाकी पूरी ऐप की ज़रूरत नहीं होती मुझे। हाँ ये बिल्ड का फोल्डर ही सब कुछ है। ये बिल्ड के फोल्डर में जो ये index.html बना हुआ है ना, ये index.html इज़ अ कम्प्लीट ऐप भाई, वो सब इसमें ला के इसमें डंप कर दिया है। होपफुली शायद मैं इसको चलाऊँ तो ये चल भी जाए शायद, देखो गो इसको ना कॉपी पाथ करके तो शायद नहीं चलता, ये गो लाइव करके चलाने की कोशिश करता हूँ मैं, नहीं चला ये। वो असल में इसलिए नहीं चला क्योंकि ना कुछ ये इंडिपेंडेंटली सर्वर पे चलेगा, ये इस तरह नहीं चलेगा फोल्डर के अंदर फोल्डर करके ना। वेल वो असल में ये फोल्डर एक पूरी कंप्लीट ऐप है, इसको मैं अलग से फोल्डर निकाल के ना जब इसको मैं स्टेटिक सर्वर पे चलाऊंगा तो ये चल जाएगा। तो मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट है वो बिल्ड का फोल्डर, उसको बाहर किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं जाएगी जब डिप्लॉय करेंगे ना, तो SRC की फाइल की ज़रूरत नहीं है आपको। SRC जो है आपके पास रहेगा, वो सीक्रेटली आप रखेंगे उसको, और बिल्ड का फोल्डर आप भेजेंगे फायरबेस होस्टिंग पे, गिटहब होस्टिंग पे, सर्वर पे या डायरेक्ट किसी स्टैटिक होस्टिंग पे। अब ये हम होस्टिंग भी करके इसकी देख लेते हैं थोड़ी देर में कि क्या सीन है, ठीक है जी। तो हाँ नेटलीफाई बढ़ा दूंगा और बोलो। अच्छा
सभी आसान है, सभी आसान है, मुश्किल तो कोई भी नहीं है। अच्छा तो ये पांच पॉइंट्स हमने देख लिए, और मेरा ख्याल है ये डायनेमिक और रीयूजेबल पे मूव करने से पहले ना हम क्या करते हैं, इसको होस्ट करके देख लेते हैं कि ये होस्ट कैसे होगी। ठीक हो गया जी, तो हमने अभी तक जो कोड लिखा है वो index.js में कोड है ये वाला, और स्टाइल ये हमने किया है, और इन दोनों को बस हम चला कर देख रहे हैं, और इसको हम होस्ट करके देख रहे हैं कि ये होस्ट कैसे होगा। अच्छा होस्ट हम कर लेते हैं फायरबेस होस्टिंग सबसे पहले, क्योंकि फायरबेस होस्टिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है। फायरबेस का डेटाबेस बहुत ही वाहियात है, लेकिन फायरबेस की जो होस्टिंग है वो अच्छी है। ठीक है, असल में गूगल वाले यही करते हैं, उनकी ट्रिक्स होती हैं कि वो एक प्रोडक्ट बिल्कुल ही फ्री कर देते हैं ताकि उससे बंदा अंदर आए, और जब वो अंदर आता है ना तो उसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डिफरेंट अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स में, और वहाँ पे फिर लॉक इन करते हैं, फिर उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। तो ये उनकी एक टिपिकल स्ट्रेटजी है। तो मैंने कहा firebase.com, firebase.com पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा गो टू कॉन्सोल, ठीक है, क्योंकि मेरे गूगल के अकाउंट से चलता है ये, तो अगर आप गूगल का अकाउंट लॉग इन करके बैठे हैं तो ये डायरेक्ट गो टू कॉन्सोल करेंगे तो आप फायरबेस के अंदर पहुँच जाएंगे, जो इसका डैशबोर्ड है। ठीक है जी, तो ये फायरबेस के डैशबोर्ड पे आप पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप करेंगे क्रिएट न्यू ऐप, और यहाँ पे आप आके नाम लिखेंगे कि हेलो वर्ल्ड रिएक्ट, सही है, ये आपका नाम हो गया। अच्छा ये नीचे आईडी भी सजेस्ट कर रहा है कि यार ये होने वाली है आपकी आईडी। मैंने कहा यार आईडी में ना जो इस हेलो वर्ल्ड रिएक्ट तक चाहिए, अच्छा ये टेकन है ऑलरेडी, क्या कर दें इसको हेलो डैश वर्ल्ड और डैश रिएक्ट कर देता हूँ, ये भी अनअवेलेबल है, डैश वन कर देता हूँ, मिल गई, सही है। तो ये आईडी जो है ना, ये आईडी देखो मैंने थोड़ी सी चेंज कर ली है इस नाम से, इस नाम को भी बल्कि मैं यही कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड डैश रिएक्ट, सही है। तो वन लगाया मैंने साथ में तो ये अवेलेबल हो गई। तो ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है, नाम में मैं स्पेस भी दे सकता हूँ गालबन, ठीक है, आईडी में मैं स्पेस नहीं दे सकता, हेलो वर्ल्ड रिएक्ट मैंने ये नाम लिख दिया, और ये मेरी आईडी है। अच्छा ये जो आईडी होगी, मुझे जो डोमेन मिलेगा ना, आप लोग होस्टिंग पहले कर चुके हैं तो डोमेन इसी नाम से मुझे मिलेगा, मतलब ये बात लिखी हुई होगी और डॉट वेब डॉट ऐप ऐसे होगा। तो मैंने इतना करके कंटिन्यू का बटन दबाया, इसने बोला एनालिटिक्स इनेबल करनी है, मैंने कहा नहीं इनेबल, वैसे तो इनेबल कर सकते हैं लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा सवालात पूछता है, तो फिलहाल हम उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो मैंने एनालिटिक्स को नो करके कंटिन्यू किया, ये मेरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा थोड़ा सा वेट करते हैं इसके बन के तैयार होने का। ठीक है जी, बन के तैयार हो गया, कंटिन्यू। यहाँ पर हम जाएंगे बिल्ड में, बिल्ड का जो सेक्शन है इसके अंदर हमारे पास आ रहा होगा फायरबेस होस्टिंग, ये रहा, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। होस्टिंग पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, ये मुझसे कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो आप क्या करो, फायरबेस का CLI टूल इंस्टॉल कर लो, ऐसे करके npm install -g firebase-tools, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इसको कॉपी करके मैं अपने पास आ जाता हूँ यहाँ पे, और sudo करके मुझे लिखना होता है जो भी -g होता है ना ग्लोबल कमांड, अगर आप लिनक्स पे या मैक पे तो sudo करके उसको चलाना होता है, अदरवाइज वो फेल हो जाता है, उसको परमिशन का इशू आ जाता है। ठीक है, विंडोज़ पे ऑन अदर हैंड sudo करके चलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सम टाइम रन एज एडमिन करना होता है आपको कमांड प्रॉम्प्ट, और उसके ऊपर ये कमांड चलानी होती है, ठीक है, अगर कोई मसला आ रहा है, वरना विंडोज़ में वो बगैर किसी मसले के वो चल जाता है सही। ठीक है, तो अगर कोई परमिशन का इशू आता है विंडोज़ में तो आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और उस पर फिर ये कमांड चलाएंगे तो फिर वो सही चल जाएगी। अच्छा मेरे पास पहले से इंस्टॉल था लेकिन मैंने दोबारा इंस्टॉल कर लिया है, उससे बेनिफिट क्या होगा कि अब पुराना वर्जन होगा तो अपडेट हो जाएगा, दैट्स इट, सही है, तो वो ठीक है जी अपडेट हो गया। अब अगला काम क्या करना है, मैंने कहा नेक्स्ट, ये काम हो गया मेरा, उसके बाद मैंने करना है फायरबेस लॉगिन। ठीक है, तो मैं फायरबेस लॉगिन कर देता हूँ, फायरबेस लॉगिन मेरा एक्चुअली हुआ हुआ होगा पहले से, तो क्या कह रहा है फायरबेस CLI दिस इज इनकॉम्पैटिबल विद 16.0, प्लीज़ अपग्रेड टू द वर्जन 16.4। अच्छा ये कह रहे हैं कि नॉट JS का वर्जन जो है ना आपका वो सही नहीं है, तो मैंने कहा NVM इंस्टॉल 16.4.0। नहीं, NVM एक CLI टूल है
जिसके जरिए आपको कभी भी किसी भी नॉट के वर्जन पे जा रहे हैं ना, तो आप वो लिखते हैं तो वो चला जाता है। सही है, मिसाल के तौर पर मुझे बैक एंड फोर्थ 16 और 18 पे काम करना है, तो मैं ऐसे करके करता हूँ। ठीक कर दिया मैंने, ये वाला वर्जन इंस्टॉल कर लिया जो ये कह रहा था, अब वो चल जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, अपडेट अवेलेबल, अभी अभी तो किया है उसका इंस्टॉल मैंने, चलो दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तो मैंने इंस्टॉल अभी किया था कि अपडेट आ जाए इसको, लेकिन अपडेट फिर दोबारा आ गई है इसकी। चलो भाई, फायरबेस लॉगिन। ठीक है, तो अब मैं फायरबेस लॉगिन चलाता हूँ कि चल जाता है कि नहीं चल जाता। अबे भाई क्या हो गया उसको, नहीं ये लॉगिन तो बता रहा है, लेकिन ये दोबारा क्यों कह रहा है कि अपडेट करो यार, अभी तो मैंने अपडेट किया इसको। सजेशन नहीं, कह रहे हैं कि 16 है आपके पास और ये 20 अपडेट आ चुकी है। चलो छोड़ो बस, अभी काफ़ी है। सही है, कह रहे हैं ऑलरेडी लॉग इन विद दिस ईमेल, तो मैं कहता हूँ भाई फायरबेस लॉग आउट। सही है, जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट कि वो लॉग इन काम कैसे करता है। मैंने कहा लॉग आउट करो भाई इसको और लॉग इन दोबारा से चलाओ। जैसे ही मैंने दोबारा से लॉग इन बोला, इसने बोला अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI एंड एमुलेटर सूट, और यस पे ऑलरेडी हुआ हुआ, तो जस्ट मैंने एंटर प्रेस करना है। ऑटोमेटिक ब्राउजर खोला इसने, मैंने कहा लॉग इन करो भाई इसके साथ, यानी गूगल का लॉग इन खोला। इसने कहा भाई ये परमिशन चाहिए, मैंने कहा अलाओ, और ये हो गया। अब इसको मैं टैब को क्लोज करूंगा और वापस अपने टर्मिनल पे आऊंगा, तो ये कह रहा है लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है जी, अगला स्टेप क्या है, फायरबेस इनिट चला देता हूँ मैं इधर। ये मैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के रूट पे कर रहा हूँ ये सारा काम, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो मेरा रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है ना जिसका नाम हेलो वर्ल्ड है, मैं उसके अंदर इस वक्त मौजूद हूँ। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि फायरबेस की ना बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो आपको कौन सी चाहिए। तो मैंने एरो डाउन क्लिक किया और होस्टिंग पे आके ना मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ, ये एरो डाउन करके मैं होस्टिंग पर आ गया, और होस्टिंग पे आके मैंने स्पेस का बटन दबाया तो ये ग्रीन हो गया। सही है, समझ रहे हो, मैं 2-3 को किसी को भी ऐसे कर सकता हूँ। तो मैं किस पे आके करूँगा, यहाँ पे होस्टिंग आ रही है 2 अदद, एक आ रहा है कन्फिगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग, और एक आ रहा है गिटहब एक्शन। तो मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ सिंपल वाला करना है, गिटहब एक्शन वाला फिलहाल नहीं करना है। तो स्पेस दबा के मैंने ग्रीन किया, उसके बाद एंटर प्रेस किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट ए न्यू करूँगा तो ऑटोमेटिक नया बना देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ यूज़ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई आईडी बता दो आप अपनी जो प्रोजेक्ट है। तो मैं आता हूँ ज़रा, और आईडी यहाँ पे से मैंने क्या रखी थी, ये जो बात थी ना, ये इतना ये मेरी आईडी थी ना बनाते हुए, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पे आके बता दूंगा कि ये थी भाई आईडी। इसको समझ आ गया कि ठीक है भाई ये आईडी है। अब ये मुझसे कह रहा है कि आप अपनी पब्लिक डायरेक्टरी बताओ, तो मैं कौन सी बताऊँगा, बिल्ड की बताऊँगा। मैंने कहा बिल्ड की जो डायरेक्टरी है ना वो मेरी पब्लिक डायरेक्टरी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यार कन्फिगर सिंगल पेज ऐप, मैंने कहा यस। रिएक्ट को याद रखें आप हमेशा सिंगल पेज ऐप के तौर पे आपने ट्रीट करना है। ठीक है, रिएक्ट से जो ऐप बनती है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल पेज ऐप होती है। तो मैंने कहा यस और एंटर। उसके बाद कह रहा है गिटहब ऑटोमेटिक डिप्लॉय, मैंने कहा नो। सही है, गिटहब की ऑटोमेटिक डिप्लॉय यस करेंगे आप, आपको बोलेगा गिटहब से लॉगिन करो और एक फाइल ला के रख देगा, दैट्स इट, वो आप करके देख सकते हैं अलग से, बहुत ही ईजी है। तो मैंने इसको फिलहाल के लिए नो कर दिया टाइम बचाने के लिए। अच्छा, कह रहा है कि भाई HTML की एक फाइल ना उस फोल्डर में पहले से है, तो मैं क्या करूँ, उसको रिमूव कर दूँ, अपना रख दूँ फायरबेस का मंजन वहाँ पर। तो आप करेंगे इसको नो, कि भाई जो पहले से फाइल है ना index.html की, वही मेरी असली फाइल है, उसको रिप्लेस नहीं करना है। ये भाई बन के तैयार हो गया। जैसे ही ये कमांड कंप्लीट होती है, तो आप यहाँ देखेंगे कि क्या बना हुआ आ गया, firebase.json की एक फाइल आ गई है। जो जो बात आपसे पूछी थी इसने, वो बात यहाँ पे सारी लिखी हुई है। ठीक है, सिंगल पेज के लिए ये वाली बात है, पब्लिक डायरेक्टरी यहाँ लिखा हुआ है, और फायरबेस RC के नाम से आ गया है, जिसमें आपके प्रोजेक्ट की ID मेंशन हुई भी है। ठीक हो गया, अब ये दोनों बातें आ गई। अब अगला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे आया, मैंने कहा नेक्स्ट। इसने बोला भाई आप कर दो, आप आँख बंद करके फायरबेस डिप्लॉय।
तो मैंने यहाँ से कॉपी किया ये कमांड, यहाँ पे आके फायरबेस डिप्लॉय चलाया, मेरी साइट फायरबेस पे गई। ये ऐसे ही है, टेम्पररी फाइल है ये एक्चुअली। एक मिनट यार, कहाँ पे कह रहे हो तुम डीबग बनाया, मेरे पास तो नहीं बना। ये डॉट फायरबेस के अंदर ये होस्टिंग का कुछ बना है, होस्टिंग का केशे बनाया है इसने एक्चुअली। ठीक है, वेल अभी वो खैर हो गई उसकी केशे। अच्छा तो इसने कहा भाई ये डिप्लॉय कंप्लीट हो गया है और ये होस्टिंग का यूआरएल भी इसने मुझे दे दिया है, और मैं यहाँ जाके भी जब कहता हूँ गो टू कॉन्सोल तो मुझे ये भी क्या दे देता है, होस्टिंग का यूआरएल दे देता है। ये मुझे दो यूआरएल इसने दिए हैं, दोनों सही है, ये दोनों मेरी होस्टिंग का यूआरएल है। तो मैं पहला यूआरएल पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली खुल के सामने आ गई, मेरी ये वो वेबसाइट है जो अभी अभी मैंने बनाई थी। ठीक है, इसका यूआरएल देख सकते हैं आप, ये यूआरएल है इसका, और ये वही मेरी वेबसाइट है जो अभी मैंने रिएक्ट पे तैयार की है। समझ आ गया, आसान है फायरबेस पे होस्टिंग पर, सही है। नेटलीफाई पे भी इसी तरह होती है, सर्च पे भी ऐसी ही होती है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो उनकी वेबसाइट में गेटिंग स्टार्टेड में मेंशन हुआ है, तो बस वो आपने देखना है और आपने होस्ट करना है। होस्टिंग की लिमिट मैं बता देता हूँ फायरबेस पे क्या है, फायरबेस प्राइसिंग एंटर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो होस्टिंग है ना इसकी, ये होस्टिंग के अंदर लिमिट है इसकी। हाँ, ये फ्री प्लान है इनका, तो 10 GB की जो है ना स्टोरेज फ्री है आपके लिए। मतलब 10 GB की स्टोरेज का मतलब ये है कि आप जो फाइल आप भेज रहे हैं ना index.html की जो फाइल आप भेज रहे हैं वो शायद 10 GB तक हो सकती है। ठीक है, 10 GB तक की वो हो सकती है। अच्छा, डेटा ट्रांसफ़र जो है वो 360 MB पर डे है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो वेबसाइट ओपन करता है कोई और 1 MB का पूरा पेज आपका लोड होके आता है तो 1 MB काउंट हो गया। अच्छा, एक दिन में 360 दफ़ा खुली तो 360 MB पूरे हो गए, फिर अगले दिन ये दोबारा से आपको 300। वैसे होता नहीं है ऐसा, मिसाल के तौर पे अभी जो हमने ऐप बनाई है इसको अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि ये कितने KB की बनती है पूरी फाइल, कहाँ गया वो, ये रहा ना, अगर इसको मैं यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर देखूँगी कि टोटल कितने KB की है ये, या पूरे बिल्ड का फोल्डर ही चेक कर लूँ जाके, नेटवर्क में जाऊँगा मैं, इसको क्रॉस करूँगा और राइट क्लिक करके एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड करूँगा, तो ये मेरा टोटल साइज है बिट तकरीबन 40 KB ये हो गया और 60 KB ये, 100 KB हो गया और ये 3-4 KB ये, 3-4 KB ये, तो 120-130 KB से ज़्यादा नहीं है ये। ठीक है, तो टोटल मेरी जो पूरी साइट है ना वो ये उसका साइज़ यहाँ पे मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, तो ये जो साइज़ है ये एक दफ़ा जब मेरी वेबसाइट खुलेगी तो 130 या 140 KB जो भी बनता है ये वो काउंट होगा, और जितने फिर अलग अलग पेजेस होंगे उस पर मैं जाऊंगा, उस पर जो इमेजेस होंगी सारा कुछ होगा। मेरी जो इमेज है ना 59 KB की मेरी सिर्फ इमेज है ये, जो ये इमेज मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ये हटा देता हूँ तो ये बहुत कम साइज़ है फिर इसका, तो मेरा ख्याल है 360 MB पर डे इज़ अ लॉट। कस्टम डोमेन आप इसमें फ्री में लगा सकते हैं, कस्टम डोमेन लगाने के कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करता ये, और यही वजह है मुझे फायरबेस की होस्टिंग पसंद है, क्योंकि बाकी जितने भी स्टैटिक होस्टिंग वाले हैं वो कस्टम डोमेन लगाने नहीं देते हैं, जैसे air.sysbomb.com जो आपकी वेबसाइट है जो हम क्लास में यूज़ करते रहे हैं पहले, तो वो फायरबेस पे होस्ट हुई हुई है, फ्री में होस्ट हुई हुई है, और उस पर कस्टम डोमेन जो मैं मेरी ऑनरशिप है उसकी sysbomb.com वो मैंने उसके साथ अटैच किया हुआ है, तो फायरबेस मुझे अलाउ करता है, बाकी लोग अलाउ नहीं करते, नेटलीफाई भी नहीं करता, गिटहब भी नहीं करता, गिटहब होस्टिंग भी नहीं करती। अच्छा, मल्टीपल साइट्स पर प्रोजेक्ट, आप एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल साइट्स को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि एक ही प्रोजेक्ट होता है उसका एक एडमिन की साइट अलग होती है कि भाई admin.sysbomb.com, ठीक है, एक यूज़र customer.sysbomb.com, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, तो आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रो प्लान में क्या होता है जी कि आपको ना अगर 360 MB से आप एक्सीड करते हैं तो 15 सेंट पर GB है, 15 सेंट पर GB इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस एंड चीप, लॉट ऑफ मनी नहीं है, ठीक, मतलब 15 सेंट पाकिस्तानी कितने बनेंगे, एक 100 सेंट का एक डॉलर होता है ना, 100 सेंट का एक डॉलर होता है, तो 15 सेंट यानी क्या कहते हैं, हाँ इसी तरह कुछ बनेंगे, अभी डॉलर 220 का चल रहा है ना, 225 का,
क्या कहते हैं 10 सेंट अगर होते तो वो 22 रुपये बनते पाकिस्तान में, और 15 आएंगे तो 30, 35, 40 बनेंगे। तो 40 रुपये में आपको पर GB एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, यानी जो बैंडविड्थ है डेटा ट्रांसफ़र, तो काफ़ी है। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं लगाता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है वो 500 KB की है, अभी तो हमारी बनी थी ना 140 KB, तो 500 KB की अगर मेरी वेबसाइट है तो 500 KB में कितनी दफ़ा विज़िट हो जाएगा कि 360 MB पूरे हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 360 MB डिवाइड बाई 360 MB डिवाइड बाई 500 KB, तो ये आ जाएगा रिज़ल्ट। 720 दफ़ा अगर बंदा विज़िट करेगा ना मेरी वेबसाइट को तो ये पूरा हो जाएगा 360 MB। लेकिन ये एक दिन में, एक दिन में अगर आपके पास 720 विज़िटर आ रहे हैं तो आपका बिज़नेस चल रहा है, इसका मतलब है। अच्छा, और फिर अगर ये GB की हम बात करें, जो आपको ये 35 रुपये पाकिस्तानी 35 रुपये में जो आपको ये GB दे रहा है, ठीक है, तो वो कितने उसके बनते हैं GB के, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई 1 GB, तो 2000 दफ़ा विज़िट होगी ना आपकी वेबसाइट तो ये 1 GB पूरा होगा। तो 35 रुपये में 2000 दफ़ा, और ये मैं बहुत रफ़ फिगर लगा रहा हूँ, ये बहुत कम होता है इससे, ये 500 KB में आपकी वेबसाइट पहुँचने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास बहुत ज़्यादा इमेजेस या कोई बहुत हैवी किस्म की वीडियोज़ ना हो, अदरवाइज़ तो फिर वो जितना वीडियो का साइज़ है उतना ट्रांसफ़र काउंट होगा वो। लेकिन स्टिल ये अगर इसकी स्टेटिक वेबसाइट है आपकी, जैसे air.sysborg है, उसके अंदर कोई ऐसी इमेजेस वगैरह नहीं लगी हुई, उसमें सिर्फ जेसन ट्रांसफ़र हो रहा होता है, वो भी क्या होता है एक दफ़ा HTML लोड हो गया ना अगर, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी वेबसाइट में इमेजेस हैं, जैसे कि अभी तो मैंने देखो डिसेबल कैशे किया हुआ है ना यहाँ पे, अब जब मैं इसको डिसेबल कैशे को हटा के ना इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये इमेज को दोबारा सर्वर से नहीं उठा के लाएगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि इस मेमोरी कैशे सर्वर से ये 200 बिट उठा के लाया है, मतलब ये फायरबेस पे नहीं किया, ये सारा कैशेस उठा के लाया है, तो ये तो दोबारा काउंट हो गई नहीं, तो एक बार वेबसाइट खुल गई दोबारा, तो इसका मतलब है कि ये 2000 जो है, ये 2000 नए यूज़र आपके पास आएंगे ना जब ये काउंट होगा, पुराना यूज़र तो एक बार खोल लिया उसने तो कैशे हो गया, अनलेस कि वो कैशे डिलीट कर दे, कैशे खुद से भी एक्सपायर होता है, मतलब सम टाइम 24 घंटे में या सम टाइम, अब ये डिपेंड करता है कि उसने जब पेज खुलता है ना क्या कहते हैं आपका, तो वो कैशे उसका, अभी देखो इसमें शायद लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि कैशे कब एक्सपायर होगा, इसमें ना लिखा हुआ आ रहा था कि ये इमेज तो मैंने उठा ली है और ये एक्सपायरी इसमें यहाँ पे आ रहा होगा कहीं ना कहीं, रिक्वेस्ट हेडर दिस दिस दिस, ये डेट तो लिखी हुई आ रही है लेकिन इसने ये नहीं बोला कि एक्सपायर, हाँ ये ना मैक्स एज लिखा हुआ है ना इसमें, अच्छा डेट ये अभी की डेट लिखी हुई आ रही है आज की जब ये लोड हुआ है, नहीं 29 दिसंबर 2022, ये कौन सी डेट लिखी हुई आ रही है, इस इमेज का मेटा डाटा उठा के ला रहा है एक्चुअली, ये रिस्पॉन्स हेडर, वेल रिस्पॉन्स हेडर में भी ना मे भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा एक्सेस कंट्रोल मैक्स एज दिस 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 एज दिस दिस केशे कंट्रोल में यहाँ पे लिखा हुआ है इसने मैक्स एज जो है ना इसकी ये होनी चाहिए, ये मिलीसेकंड्स में है, सॉरी ये सेकंड्स में, मिलीसेकंड नहीं है ये, अगर मैं केशे कंट्रोल जाके लिखूँगा ना MDN पे तो वहाँ पे मुझे ये बताएगा कि ये सेकंड्स में होता है, तो इस सेकंड्स को अगर मैं यहाँ पे उठाता हूँ और यहाँ ला के मैं बोलता हूँ सेकंड्स टू डेज, तो ये तो 365 दिन के लिए इसने किया है भाई, पूरे एक साल का इसने टाइम लगाया कि ये एक साल तक चेंज नहीं हो, ठीक है, बट स्टिल इन्होंने कुछ मैकेनिज्म ऐसा किया हुआ होता है कि वो रैंडमली उसको चेक कर लेता है, और यही वजह है कि आप कभी बैंक वगैरह की ऐप आपकी काम नहीं करती ना तो आप उनको फ़ोन करते हैं तो वो क्या कहते हैं आपको कि आप अपने कैशे क्लियर करके दोबारा से उसको लोड करें, ठीक है। तो अच्छा ये एक्चुअली होता क्या है, ये मैकेनिज्म किस तरह से चलता है, जो index.html की जो फाइल आती है ना, जो index.html की पहली फाइल लोड होती है उसके अंदर अगर वो URL चेंज नहीं होता तो उसको लगता है कि इमेज वही है और वही इमेज उठा के लाता रहता है। ऑब्वियसली अगर आप अपनी वेबसाइट को अपडेट करेंगे तो एक तो फायरबेस को पता चलेगा,
गूगल क्रोम गूगल का ही है, तो वो वहाँ से कुछ कोऑर्डिनेशन करके ना वो पता लगा लेता है कि ये वेबसाइट चेंज हो गई है, तो उसको फिर वो चेंज कर देता है। ठीक है, गूगल का क्रॉलर ऑन अदर हैंड क्रॉलिंग करता है पूरी वेबसाइट की, तो उससे भी पता लगता रहता है गूगल क्रोम को कि यार कौन सी वेबसाइट अपडेट हुई है कौन सी नहीं हुई है। ठीक है, फिर एक ही वेबसाइट कई हज़ार लोग एक साथ विजिट कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे भी ना बहुत सारी जगहों से ये पता लगा रहा होता है। ये बहुत ही कोई क्लोज कोऑर्डिनेशन की हुई है उन्होंने कि केशे को कब एक्सपायर करना है ना, ये स्मार्टली ब्राउजर्स डिसाइड करता है। ठीक है, और टाइम भी सेट करवा सकते हैं आप। ठीक हो गया जी, तो मेरा ख्याल है ये होस्टिंग का प्रोसेस यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, इसको हम बंद कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं वापस किसकी तरफ। अच्छा, इसको मैं इतने को क्या कर देता हूँ, भेज देता हूँ, मैं इस पर लिखूँगा कि यार होस्टिंग कंप्लीटेड, और ये मैंने कोड आपका सारा का सारा पुश कर दिया। ठीक है जी, तो अब हमने अगला काम क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है कि हमारी जो ये वाली जो भी चीज़ मैंने लिखी हुई थी इसको आगे बढ़ाना है और हम अब डायनेमिक इन री एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स की तरफ मूव करने जा रहे हैं।